बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी पर भड़क गई हैं। दरअसल रविवार को अंबेडकर नगर के बसपा सांसद रितेश पांडे ने पार्टी से इस्तीफा देकर दो घंटे में ही बीजेपी का दामन थाम लिया। खबर ये भी सामने आ रही है कि रितेश पांडे के अलावा अभी बसपा के पांच और सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, जो टिकट मिलने के आश्वासन के बाद ही पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। पिछले दिनों मायावती ने ऐलान किया था कि वह आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी और किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। उसके बाद 2024 के चुनाव को लेकर सामने आए सर्वे में बसपा एक भी सीट जीतती हुई नहीं दिख रही है। यही वजह है कि पार्टी में भगदड़ मचना शुरू हो गई है। 2014 में भी बसपा शून्य पर थी, वहीं 2019 में सपा के साथ गठबंधन करके पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिली थी। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अब विलुप्त होने की कगार पर है। विपक्ष के नेता जहां इन दिनों रोड शो चुनावी यात्रा कर रहे हैं, वहीं मायावती सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित हैं। बसपा के बिजनौर से सांसद मलुक नागर, लालगंज से सांसद संगीता आजाद, श्रावस्ती से सांसद राम शिरोमणि वर्मा भी जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और मायावती को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। वहीं अमरोहा से सांसद दानिश अली और जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और वो आगामी लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ते हुए दिख सकते हैं। जबकि बसपा सांसद अफजल अंसारी को पहले ही समाजवादी पार्टी अपना 2024 के लिए लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना चुकी है। चुनावी उठापटक के बीच आने वाले दिनों में हो सकता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं, क्योंकि डूबते हुए को एक तिनके का सहारा ही काफी होता है और अगर बसपा सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो कई सीटों पर गठबंधन मजबूत दावेदारी भी पेश करेगा, जिसका रिजल्ट चुनावी नतीजों में भी दिखेगा।